हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया के फास्ट बॉडी बिल्डिंग न्यूज अपडेट चैनल दी बॉडी बिल्डिंग क्लब। तो दोस्तों, हमारी पहली अपडेट आई है डेल्टा दिलीप की तरफ से। तो आपको बता दें कि ये उनकी करंट बॉडी कंडीशन है। उन्होंने हाल ही में अपनी बैक की अपडेट डाली है। आप उनकी बैक देख ही सकते हैं, उनकी बैक में कितनी थिकनेस और वाइडनेस है। आपको बता दें कि इन्होंने अपने लेट्स में बहुत ज्यादा साइज कैरी किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर डेल्टा दिलीप अपनी बैक में ऐसे ही इंप्रूवमेंट करते गए तो आने वाले दिनों में डेल्टा दिलीप की बैक बहुत ही ज्यादा बिग और डेंजरस लगने वाला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डेल्टा दिलीप कंप्लीट करने वाले मुंबई प्रोसो में और ये उनका पहला प्रो डेब्यू होने वाला है। तो देखते हैं डेल्टा दिलीप मुंबई प्रोसो में अपनी कैसी फिजिक लेकर आते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको डेल्टा दिलीप की बैक कैसी लगी। तो दोस्तों, हमारी दूसरी अपडेट आई है यश आनंद की तरफ से। तो आपको बता दें कि इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये मसल मेनिया में कंप्लीट करने वाले हैं और ये 17 वीक्स आउट हैं मसल मेनिया से। तो देखते हैं मसल मेनिया में अपनी कैसी फिजिक लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि यश आनंद नेचुरली कंप्लीट करते हैं। यश आनंद ने अपने हेयर स्टाइल का लुक चेंज किया है। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको यश आनंद का नया लुक कैसा लगा। तीसरी अपडेट आई है जुनेद कालीवाला की तरफ से। तो दोस्तों, आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हैं। इन्होंने अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा मसल मास कैरी किया है और आपको बता दें कि इनके शोल्डर एंड चेस्ट में फाइबर नज़र आना चालू हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जुनेद कालीवाला ने अपनी लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। जुनेद भाई ने अपनी बॉडी में अच्छा खासा मसल मास गेन किया है, पर हम देखते हैं ये कैसी कंडीशन लेकर आते हैं मुंबई पुरुष। आपको क्या लगता है कि जुनेद भाई मुंबई पुरुषों में टॉप 5 या टॉप 10 में आ पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी चौथी और लास्ट अपडेट की तरफ। तो हमारी चौथी अपडेट आई है रवि पवार की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये 80 डेज आउट हैं एमेचर ओलंपिया से। तो आप इनकी करंट बॉडी कंडीशन देख सकते हैं। इन्होंने अपनी बॉडी का साइज मेंटेन करके रखा हुआ है। पर दोस्तों, आप इनकी पोजिंग पर गौर करिए, ये मेंस फिजिक कैटेगरी के एथलीट हैं, पर ये पोजिंग कर रहे हैं क्लासिक फिजिक की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये इस बार कंप्लीट करेंगे मेंस फिजिक के साथ साथ क्लासिक फिजिक में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सच बताना, आप ऐसी बॉडी देख के सोच रहे होगे ना, अबे यार ये तो कितने ही इंजेक्शन लेता होगा, ये तो कितने ही बॉइल्ड, कितने टाइम से बॉइल्ड फूड पे होगा, खाना एंजॉय नहीं करता होगा, कुछ एंजॉय नहीं करता होगा। लेकिन अगर आपको बोलूं कि मैं सारा खाना एंजॉय करता हूँ, वर्कआउट सिर्फ हाफ एन आवर 45 मिनट्स और बाकी टाइम अपना काम, और तब भी ग्रो कर रहा हूँ, अपनी बॉडी बना रहा हूँ, बिकॉज मेरा गोल प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं है। तो आप भी, मुझे पता है आपके 99% लोगों का गोल वो नहीं होता आप, लेकिन आपको बॉइल्ड फूड खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ खाने की, आप सब कुछ खा सकते हो, छोले भटूरे, चाइनीज़ फूड, सब कुछ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।